हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम साइंस के प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस के जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है वो हमें कैसे बनानी है और कब हमारी वो फाइल हमारी वो जमा होगी। तो दोस्तों, जो हम फाइल बनाते हैं वो फाइल हमारी प्रैक्टिकल वाले दिन जमा होती है, लेकिन वो फाइल हमें पहले ही बना करके रखनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि फाइल हमें कैसे बनानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आपके पास एक लैब मैनुअल होना चाहिए। चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों को सेम ही उसी तरह से फाइल बनानी है। अब कैसे बनानी है, आइए इस बारे में बात करते हैं। जब आपके पास बुक्स आती हैं बाय पोस्ट, तो आपको बुक्स जो आपके पास बाय पोस्ट आएंगी उनके साथ एक बुक्स आती है लैब मैनुअल, यानी हिंदी में लिखा होगा प्रयोगात्मक। तो आपके पास वो बुक आती है, तो आपके पास वो बुक होनी चाहिए, तभी आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उसमें लिख सकते हो, तभी आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो दोस्तों, आप NIS की वेबसाइट पे जाओगे, स्टडी मटेरियल खोलोगे आप, तो वहाँ पर इस तरह से जो है स्टडी मटेरियल आपका खुला हुआ आएगा पर सब्जेक्ट का। तो आप उसके अंदर देखोगे, जैसे यहाँ पर ये साइंस, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, पेंटिंग, जिसकी भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। जैसे हमें साइंस की बनानी है, तो आप पहले साइंस पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप साइंस पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ जाएगा, ये वाली विंडो खुल के आएगी। तो इसके अंदर देखो, ये सब चैप्टर्स के नाम है, और जब आप सबसे नीचे जाओगे तो सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ लिखा होगा लैब मैनुअल। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ प्रयोग जो प्रयोगशाला पुस्तिका है इसको डाउनलोड करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले लैब मैनुअल डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये खुल के आएगी, तो इस तरह से खुल करके ये आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो प्रयोगशाला बुक, जो आपकी लैब मैनुअल, जो लेबोरेटरी मैनुअल है, ये खुल करके जो आई है, अब हमें इसके अंदर से हमें एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। तो जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाने जा रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जिसका कोड क्या है 212, क्या हमें फाइल कैसे बनानी है। तो देखो, जैसे आप इस पे नीचे आओगे, नीचे आने के बाद इस तरह से खुल के आएगी, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादा नीचे आएंगे तो हमें देखो लिस्ट मिलेगी प्रैक्टिकल की, जो प्रैक्टिकल की हमारे पास लिस्ट आएगी। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें देखो आपको जो प्रैक्टिकल वाले दिन जो है, दो एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल वाले दिन दो एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट आपका 4 मार्क्स का होगा, तो दो एक्सपेरिमेंट जो होंगे आपके वो 8 मार्क्स के होंगे। तो 8 नंबर के तो आपका वहाँ एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपको दो एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। दूसरी आपकी जो फाइल ये बनाओगे, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड बुक। ये फाइल जो आपकी जमा होगी ये 4 मार्क्स की होगी, और उसके बाद वायवा होगा, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग, तो 3 नंबर का वो। तो इस तरह से टोटल जो हमारा साइंस के अंदर प्रैक्टिकल बनता है वो 15 मार्क्स का बनता है। तो अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड बुक, यानी फाइल हमें कैसे बनानी है। फाइल को ही हम रिकॉर्ड बुक कहते हैं। तो देखो, ये हमारे साइंस के अंदर कुछ ये एक्सपेरिमेंट के नाम हैं, आपको कंटेंट्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इसके अंदर देखो, साइंस के अंदर आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट आपके ऐड हैं। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट और पेज दिए गए हैं कहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर दोस्तों, जो आपको एक्सपेरिमेंट की जो नंबर दिए गए हैं, 10 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं फिजिक्स के अंदर, तो आपको इनमें से कोई से भी 5 करने हैं। कोई से भी आप इनमें से 5 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो 5 तो आपको इसमें से लिखने हैं, और दूसरे आपको केमिस्ट्री के अंदर से भी आपको 5 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। जैसे देखो, केमिस्ट्री में 11 से स्टार्ट है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आपको 20 तक हैं, तो 5 ही आपको इनमें से लिखने हैं। उसके बाद बायोलॉजी के आ जाते हैं, बायोलॉजी की भी आपको दोस्तों 5 ही लिखने हैं, कोई से भी आप 5 इनमें से लिख सकते हो। तो इस तरह से देखो, हमारे पास 30 एक्सपेरिमेंट हैं, और आपको 15 एक्सपेरिमेंट अपनी फाइल में लिख करके ले जाने हैं, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के और 5 बायो के। उसके बाद देखो, मैं बात करूँ किस तरह से आपको वो लिखना है। जैसे सपोज करो, हमारे पास है ये आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये लिखना है ब्लैक पेन से, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ गिवन सॉलिड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये अपने एम में लिखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा एम, या इसको आप ब्लैक पेन से ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद ये आप ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, बस ये ध्यान से देख लो आपको क्या क्या लिखना है उसके अंदर। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं अपने सारे, यहाँ तक आप इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। लिखने के बाद आपको ये नहीं लिखना, उसके बाद आप आगे चलोगे, उसके बाद लिखोगे आप मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए ये चीज़ लिखोगे। तो मटेरियल में आप यहाँ से यहाँ तक ये सारा लिख लोगे, मटेरियल रिक्वायर्ड। ये लिखने के बाद आपको फिर लिखना, हेडिंग डालनी है हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ये लिखना, यहाँ से स्टार्ट करोगे सारा का सारा ये।
और इसके अंदर ये पॉइंट दिए गए हैं, ऐसे वन बाय वन पॉइंट कर लिखोगे। और जैसे ये डायग्राम दिया गया है स्प्रिंग का, स्प्रिंग बैलेंसेज पर सॉलिड लटका हुआ है, इसका आप जो है प्रिंट निकलवा करके अपनी कॉपी पे लगा लोगे, या फिर आप इसको एज इट इज़ बना सकते हो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। तो जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, प्रैक्टिकल फाइल आपको स्टेशनरी से मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल उसी के अंदर बनाना है। उसके अंदर प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपका एक पेज जो होता है वो ब्लैंक होता है और एक पेज आपका लाइनिंग वाला होता है। तो आपको उस जो ब्लैंक पेज है उस पर ये अपना डायग्राम बना देना है। उसके बाद ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ये डायग्राम जैसे जैसे आ रहे हैं, सारे के सारे डायग्राम आपको, जो भी जैसे डायग्राम है आपके, तो डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, सी पॉइंट में डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी वगैरह मास वॉल्यूम ये फॉर्मूले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा है, लीस्ट काउंट ये लिख देंगे। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं और यहाँ पर जैसे आप परफॉर्म करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रीडिंग वगैरह भी लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर आपके कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन आप पूरा लिखोगे और कंक्लूजन लिख करके आप इसको यहाँ पर छोड़ दोगे कंक्लूजन के बाद। और जो है बस कंक्लूजन तक आपको ये लिखना है, इसके बाद आगे आपको नहीं लिखना, फिर आपका अगला एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5, बायो से 5। तो आप 5 5 एक्सपेरिमेंट करोगे, उनके अंदर आपको यही सब लिखना है। अब जो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है उनको, ये जो लैब मैनुअल मैंने खोल रखी है, अगर इनको ये नहीं मिल पा रही है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। और जैसे अगर कोई भी डायग्राम इस तरह का आ जाता है तो आप उस डायग्राम को या तो आप पेंसिल से बना लो, या फिर आप उसका फोटो निकाल करके उसको पेस्ट कर दो लेफ्ट वाला जो पेज है, जो ब्लैंक पेज होता है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। तो आपको इस तरह से दोस्तों 15 एक्सपेरिमेंट करने हैं अपनी फाइल में, और फिर ये फाइल अच्छे से सजा करके आपको ले करके जानी है। और जो ये फाइल होगी आपकी, ये फाइल आपकी जो जमा होगी प्रैक्टिकल वाले दिन, आपकी ये फाइल जमा होगी। तो प्रैक्टिकल वाले दिन सबसे पहले आपसे फाइल मांगी जाएगी। अगर आप फाइल बना करके ले जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर आप फाइल बना के नहीं ले जाओगे तो आपके फाइल के मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और इस तरह के जो भी बच्चे परेशान हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनवानी है या कैसे बनानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल बताएंगे आपको उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो दोस्तों ये आपको प्रैक्टिकल फाइल ज़रूर बनानी पड़ेगी अगर आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप उस PDF में से देख के अपने एक्सपेरिमेंट लिख लें और अपनी फाइल बना लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।